जिसमें आपको ममाआर्थ का जो डेली का लोशन है बेबी का, मैं आज उसका रिव्यू देने वाली हूँ और वो रिव्यू मेरा ऑनेस्टली होगा। तो आप ये पूरा वीडियो वॉच करिएगा, इसमें आज मैं बहुत सारे डिटेल्स के बारे में जो है मैं वो बताऊँगी और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या है मैं उसे भी बताऊँगी। और बेबी को जब मैंने अप्लाई किया है इस लोशन को तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है उसका। तो ये सारी वीडियो जो है इस ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरी इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए पूरा। इसके बाद में आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर लेना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ये ममाआर्थ का जो प्रोडक्ट है ये मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं किया है, ये मैंने लिया है फर्स्ट क्राई के स्टोर से ख़रीदा है। तो आप बहुत सारी और ऐप्स वगैरह हैं उससे आप ले सकते हैं, यानी कि अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे, ममाआर्थ का ऐप है अपना खुद का, वहाँ से जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे ले लीजिएगा। तो अब इसकी जो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आप ये प्रोडक्ट अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं, क्यों अच्छा है, इसके बारे में मैं बताती हूँ कि एक तो ये जो है नेचुरली प्रोडक्ट है, इसे इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी डाले गए हैं वो नेचुरल डाले गए हैं, तो इसलिए अब बेस जो होता है वो तो केमिकल होता ही है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे भी हैं जो केमिकल होते हैं, वो हर किसी प्रोडक्ट के अंदर होता है केमिकल, बिना उसके यूज़ के आप पूरा एक प्रोडक्ट को नहीं बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो किया गया है इसके अंदर वो केमिकल को ना लेते हुए नेचुरल को लिया गया है, नेचुरल प्रोडक्ट्स इसमें इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। तो जैसे कि इसमें क्या है, आलमंड ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, जेजोबा ऑयल है और विटामिन ई है और इसमें बहुत सिया बटर दिया है, कोको बटर दिया है इसके अंदर, और बहुत कम रेयर ही सुना होगा आपने कि वीट्स धर्म ऑयल। ये क्या होता है वीट्स धर्म ऑयल, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वैसे तो जो वीट होता है, जब गेहूं का जो दाना होता है उसको उगाया जाता है, उसका जो जंग यानी कि जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसके बाद शायद वो प्रोसेस होती है, उसको उससे ऑयल निकाला जाता है, वो प्रोसेस है। तो वो सब इसमें डले हुए हैं और जेजोबा ऑयल भी आपने नहीं सुना होगा, वो भी है और इसके अंदर। तो शिया बटर, कोको बटर, दोनों बटर यूज़ किए हैं इसके अंदर। उसके बाद में इसमें जो सबका फेवरेट है, जो सब लोग आइसक्रीम में यूज़ करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट, वो आपने पहली बार सुना होगा, तो वो इसके अंदर ममाआर्थ प्रोडक्ट में इसमें जो डेली का लोशन है ये उसमें दिया हुआ है, वनीला एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। और ये पीएच बैलेंस्ड है, ये स्किन पर कोई इरिटेशन, रैसेस, पैचेस कुछ नहीं होने का है, इससे बहुत ही अच्छा है। मैं ये जो रिव्यू दे रही हूँ ये मैंने 1 मंथ यूज़ किया है पहले अपने बेबी के ऊपर, तब मैं ये रिव्यू दे रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका और बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इससे यूज़ करने के बाद में। और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, उसके बाद टॉक्सिन फ्री भी है, ये भी सर्टिफाइड है। उसके बाद इसमें जो ये जो बॉटल है ये भी रिसाइकल है, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल है, इसके बारे में भी बता देते हैं, ये भी रिसाइकल है, ये भी रिसाइकल हो जाएगी। और उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें ये है कि ये कितने मतलब कितने साल तक के बच्चे को यूज़ कर सकते हैं आप, ये 0 से लेके आप 5 ईयर्स तक के बेबीज़ के ऊपर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बेबी को अपने नहलाइए बात कराने के बाद में, उसके बाद में आप इसको अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। बहुत ही बच्चे की बहुत सॉफ्ट स्किन हो जाती है इसे लगाने के बाद में और बहुत ही अच्छा फील होता है। आप भी लगा कर देखिए, तभी आपको भी पता चलेगा कि कैसा फील हो रहा है इसे लगाने के बाद में। उसके बाद में ये मैंने बड़ा पैक लिया है, ये 400 ml का है, 400 ml का है, तो स्टोर पे इस पर कुछ डिस्काउंट मिल रहा था हमें,
तो मैंने एक बड़ा लिया है, और 200 ml का भी आता है, आप पहले उसे लेके साइड ट्राई कर सकते हैं। 200 ml का 200 रुपये का ही आता है वो, और इस पर कुछ छूट मिली है तो वो तो हमने इसलिए बड़ा ले लिया। तो इसके बाद में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं आपको इसे अप्लाई करके भी दिखा सकती हूँ। वाइट ही है और बहुत क्रीमी फॉर्म है इसका, बहुत क्रीमी है, तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक थिक, जैसे एक थिक क्रीम की तरह हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही लाइट है, बहुत ज़्यादा, और तुरंत ही एब्जॉर्ब होने का है जी। मैंने लगाया, उसके बाद में देखे थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया है मैंने, अब उस एरिया के पार्ट के हिसाब से मैंने ज़्यादा ले लिया है। आपको मैं एक दो बार रब करके ज़्यादा तब दिखा सकती हूँ। ये देखिए, तो स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है इससे। तो आप, ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। एक बात और मुझे ये कहनी है कि चैनल में सब्सक्राइबर ना होने की वजह से मेरा जो अनुभव है, या मैं एक हर एक लड़की जो माँ बनती है तो उसका एक्सपीरियंस किसी का कम नहीं होता है, उसका एक्सपीरियंस तो सबका बराबर ही होता है एक माँ बनने का। तो इसमें आप ये नहीं समझिएगा कि जो है मेरे सब्सक्राइबर कम है तो मुझे इसकी नॉलेज कम है या मुझे कम है, तो आप इसकी वजह से मेरी वीडियो स्किप कर दें और मुझे सपोर्ट ना करें। प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में या नए, तो इसके लिए आप चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और बाय बाय।